Let us really start with the problems based upon the lenses as well as on the mirrors, beta. जो हमारे पास थे ये सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहा हूँ बेटा मैं. इट इज गिवन दैट ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स न्यूमेरिकल है बेटा छोटा सा. ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ बेटा 20 सेंटीमीटर्स. कन्वेक्स लेंस आपको दिया गया है नहीं ये नहीं चलता. ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स बेटा इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर्स. It is with a place in contact with the. It is placed in contact with a concave lens of focal length 50 centimeters. What we intend to work out is power of the each lens, power of the combination. And the focal length of the combination of the lenses is required. कल आपने ऐसी कुछ problems भी थी discuss की भी थी. तो ये एक तरीके का repetition ही है उन problems का बेटा. Repeat करूँगा मैं question. आपको एक convex lens दिया गया है. इसकी focal length 20 centimeter है बेटा. Let me rewrite. Convex lens जो है इसकी focal length f1 20 centimeters और आपको एक कंकेव लेंस दिया गया है इसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर्स. बिकॉज लेंस कंकेव नेचर का है आपको इस लेंस की फोकल लेंथ को बेटा नेगेटिव वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी दिस वे. और आप इंडिविजुअल लेंसेज की पावर आपसे रिक्वायर्ड है और साथ ही साथ आपको कहा गया है कि आप कॉम्बिनेशन की पावर और फोकल लेंथ दोनों निकाल के बताइएगा. पहले लेंस की पावर P1 इट विल बी बिकॉज इट इज इन सेंटीमीटर्स इट इज 100/20 5 डायोप्टर आ जाएगा बेटा. सेकंड लेंस की बात करें अगर तो पावर इसकी आपके पास 100/-50 ये बेटा -2 डायोप्टर के पास आपके पास पावर जो है ये इस लेंस का जो है ये वर्कआउट कर लोगे आप बेटे. पावर्स लेंसेज की जो है ये हमेशा आप ऐड कर लेते हैं. पावर्स आर ऑलवेज एडेड. तो आप पावर को ऐड कर लीजिएगा कॉम्बिनेशन की पावर पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कैपिटल पी जो है इट विल बी P1+P2 हो जाएगा जी बेटे. और कॉम्बिनेशन की पावर कैपिटल पी जो है इट विल बी इक्वल टू 5 diopter + -2 diopter बेटे. और आप इस तरीके से इसको जो है अगर देखोगे तो इट विल बी इक्वल टू बेटा यूअर 3 diopter. ये आपका नेगेटिव पावर और ये पॉजिटिव पावर एडजस्टमेंट के बाद आप जब कैलकुलेट कर लोगे 3 diopter आपके पास बेटी कॉम्बिनेशन की जो पावर है ये डियर चिल्ड्रन आपको जो है ये मिल जाती है. और ये पॉजिटिव साइन इसका इंडिकेट कर देता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है ये एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है. अब आप अगर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं इट विल बी 100/P इट विल बी 100/3 एंड इट विल बी 33.3 सेंटीमीटर्स के बराबर आपका जो है कॉम्बिनेशन का बच्चों फोकल लेंथ निकल आएगा. तो अकॉर्डिंगली आप इसको बेटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख सकते हो. कोई ज्यादा लेंथी काम नहीं इसमें. एक बेटे इससे पहले कि हम आगे चलें आपका ये प्रीवियस इयर्स में क्वेश्चन
न्यूमेरिकल फॉर्म में आया हुआ है. लेट मी राइट दैट बेटा. आइए देखें इसको सॉल्व करके. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड न्यूमेरिकल रादर. आइए देखें. वी विल हैव, लेट मी राइट आपको क्या दिया गया है. आई विल रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू बेटा. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई. एक ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट बेटे 4 सेंटीमीटर का मतलब है एच वन जो है इट इज 4 सेंटीमीटर. इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बेटा 27 सेंटीमीटर की जब आप बात करते हो तो नेगेटिव होना चाहिए. 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस. और आपको जो लेंस दे रखा है इट इज बेटे कन्वेक्स इन नेचर. इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस और इसकी जो फोकल लेंथ है बेटा दिस इज गिवन टू बी 18 सेंटीमीटर. बिकॉज कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव लोगे आप. फाइंड द पोजिशन नेचर इन द साइज ऑफ द इमेज फॉर. आपको पोजिशन का मतलब है बी निकालना है, नेचर निकालनी है एंड साइज का मतलब है एच टू निकालना है. आप अपना सॉल्व करिएगा, मैं भी इधर सॉल्व कर रहा हूँ बिट एंड सब आंसर्स फिर इन द एंड मैच कर लेते हैं बेटा. तो यू आपको दिया गया है, फोकल लेंथ आपके पास है बी. कृतिका कुछ कहना चाहती है. यस बेटा कृतिका बोलिए. यू आर अनम्यूटेड. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा. सर रूम में ना अदिति है, उसको एडमिट कर लो अंदर. किसको? अदिति. बेटे मुझे यहाँ दिख नहीं रही अदिति. हाँ, सर उसका मैसेज आ रहा है कि अदिति शर्मा है, अदिति नहीं है बेटा. सर उसका मैसेज देखती सर को बोल रहे. मैं साथ ही साथ बेटे एडमिट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. जो जो आई जा रहे हैं बच्चे मैं एडमिट कर ही जा रहा हूँ. मेरे पास इतने सारे इनसाइड ही है बेटा. एक बार उसको बोलो रीज्वाइन कर जाए अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है. राइट बेटा. चलिए बेटे देन आपको बेटे देखिए बिकॉज लेंस दिया गया है, लेंस के साथ हम डील कर रहे हैं. आई विल मेक यूज ऑफ इट अ लेंस फॉर्मूला. इसके अकॉर्डिंगली 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है और आपको v वर्कआउट करना है बेटा. सो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/u आ जाएगा बेटा. कोशिश करिए आप इसको ऐसे सॉल्व करके वैल्यूज बाद में सब्स्टिट्यूट करें. सो इट विल बी 1/v इट इज इक्वल टू f इनटू u एंड u प्लस f आ जाएगा बेटा. और फर्दर मोर आपका जो v है बेटे इट विल बी f इनटू u अपॉन u प्लस f आप कर लीजिएगा. और सारी वैल्यूज आपके पास हैं. फोकल लेंथ 18 है, u आपका -27 है. ये -27 प्लस का 18 v बन गया जी -27 इंटू 18 डिवाइडेड बाय -9. 9 × 3 = 27. 54 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस 54 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रहा है बेटा. और ये आपको इंडिकेट कर देता है कि आपका जो इमेज है इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बना पड़ा है. अब आप देखिएगा आपको उन्होंने बोला है कि नेचर और साइज ऑफ द इमेज भी आपको बताना है. सो हाँ जी अरमान आपका ठीक है. वेरी गुड बेटा. वेरी नाइस अरमान. वेरी नाइस. वेरी नाइस. मैग्निफिकेशन एम आपका बेटे जो है v अपॉन u के बराबर हुआ करता है. v आपने निकाला 54, u आपके पास -27 है. मैग्निफिकेशन -2 का आ रहा है बेटा इस. हाँ जी बेटे बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है. -2 का मैग्निफिकेशन इंडिकेट कर देता है h2 आपका जो है ये -2 × h1 हो गया. h2 आपके पास बन गया जी -8 सेंटीमीटर. ये नेगेटिव साइन. यस बिल्कुल ठीक बेटे बिल्कुल ठीक. तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देता है कि आपका इमेज इन्वर्टेड है, उल्टा बना हुआ है. सो अगर हम नटशेल में बात करें इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की
इमेज आपका 54 सेंटीमीटर पे अदर साइड ऑफ द लेंस पे बन रहा है, एंड साथ ही साथ बेटे इस केस में आप ये भी कहोगे ये रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, डबल इन साइज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको ये मिल रहा है। सो अकॉर्डिंगली आप इसके जो पर्टिकुलर्स हैं उनको सबको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक बड़ा बेटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपको पूछा गया है सो मेनी टाइम्स, मैं उसको लिख रहा हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर बाद में मैं भी करूंगा, देन वी विल मैच द आंसर्स विद अ। आइए देखें बेटे क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा जरा ध्यान से। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42, ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात की गई है, इसके लिए क्रिटिकल एंगल सी 42 डिग्री का है, ये होता है इतना इसके लिए। और आपको आगे कहा गया है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट वन ऑफ द सर्फिसेस ऑफ ए प्रिज्म एट एन एंगल 45 डिग्री एज शोन इन द फिगर, ट्रेस द रिफ्लेक्टेड रे। यस, ध्यान से डायग्राम में बनाता हूं, आप भी बनाइएगा। उन्होंने आपको एक ये बेटे ग्लास प्रिज्म इस शेप में, इस ओरिएंटेशन में रादर दिया हुआ है, इस तरीके का ये पड़ा है ग्लास प्रिज्म आपका, ये इंसिडेंट रे आ रहा है बेटा इस तरीके से ये, और इस फेस पर जब आकर स्ट्राइक करेगा, क्रिटिकल एंगल इसके लिए 42 है, आपको रिफ्लेक्टेड रे बनाकर बताना है। सो डियर चिल्ड्रन, यहां आपका ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 45 डिग्री का है। अब इस केस में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया इस पॉइंट पे, और ये आपका 45 है, क्रिटिकल एंगल 42 था, तो 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बच्चों बड़ा हो गया, तो उस केस में आपका यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा और आपका रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ये भी 45 और ये भी 45 डिग्री बेटा। सो ये आपको पाथ कंप्लीट करने को उन्होंने बोला था, अकॉर्डिंगली आप बेटे इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। राइट बेटा, इसके बाद मेरे पास और दो तीन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, साथ साथ आप नोट करते चले जाइएगा बेटे। अरमान, इट इज बीइंग नोटेड साइड बाय साइड और नॉट? ओके अर्शीन, देखो बेटे आपको ग्लास दिया गया है बेटे, ग्लास प्रिज्म दिया गया है, सुन लीजिए एक बार। ओके ओके वेल, ग्लास प्रिज्म दिया गया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3/2 होता है या 1.5 होता है। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिलेटेड हैं? म्यू इज इक्वल टू 1/sin c होता है, साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल 1/μ होगा, साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल विल बी 1/3/2, साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल विल बी 2/3। जब आप ये कैलकुलेट कर लेते हो तो ये 42 डिग्री आता है, ये उन्होंने आपको दिया हुआ है पहले ही, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ग्लास की बनी हुई प्रिज्म आपको दिखाई भी थी एक दिन, इस शेप की है वो, ये इंसिडेंट रे है आपको दिया गया, इंसिडेंट रे जब इस फेस पर आकर स्ट्राइक करेगा आपको रिफ्लेक्टेड रे उन्होंने कहा है कि बनाकर बताइए, तो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये बेटा नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 है इस केस में, और ये आपके क्रिटिकल एंगल से बच्चों डेफिनेटली बड़ा हो गया, और अगर ये बड़ा है क्रिटिकल एंगल से तो आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के लिए कंडीशन परफेक्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और आपका टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे इधर आएगा और ये रे ऐसे पास कर देगा। अर्शीन, इज इट क्लियर नाउ बेटा? ओके नाइस।
इसके बाद बेटे मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, छोटा सा एक टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछा गया है एग्जाम्स में, यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। आइए देखें। यस बेटे, आपको उन्होंने कहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। कब निकालिए, क्या दिया है, इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द डायमंड टू ईयर इज 42, आपको क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री दे दिया है, आपको उन्होंने कहा है कि फटाफट आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू जो है डायमंड का निकाल दीजिए। बेटे अभी अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, आपका जो म्यू है इट इज 1/sin ऑफ द क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ करता है, म्यू विल बी इक्वल टू 1/sin ऑफ 42 डिग्री। बेटा 42 डिग्री की वैल्यू आपको दी होगी पेपर में, या आपको लॉग टेबल वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाएगा। सो म्यू विल बी इक्वल टू 1/0.6691 इसका वैल्यू होता है बेटे, याद रखिएगा, याद वैसे रखने वाली बात है नहीं, ये लॉग टेबल से मिल जाता होता है आपको। और वन को जब आप किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हो, आपका रिजल्टेंट नंबर इट शुड बी मोर देन वन, और ये सॉल्व करके आपके पास बेटा 1.49 के करीब की वैल्यू आ रही है, इतना आ रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और यही आपसे पूछा गया था। तो देखिए उनका पूछने का तरीका, उन्होंने क्रिटिकल एंगल देकर आपको म्यू निकालने को कहा है, इनडायरेक्टली वो आपको क्रिटिकल एंगल और म्यू के बीच में रिलेशनशिप उन्होंने चेक कर लिया आपको आता है कि नहीं आता है। सो इन दिस वे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक मिलता जुलता प्रॉब्लम ऑल है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। हाँ बेटे, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है अरमान ने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमंड का ज्यादा होता है, ये कैसे आ गया। बेटे डायमंड की अलग अलग टाइप्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, तो जिस चीज को उन्होंने डायमंड का नाम दिया है मे बी वो कोई अच्छी क्वालिटी ऑफ ग्लास हो या इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ डायमंड हो, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो जो डेटा दिया है हमने वैसे निकाल दिया, वैसे डायमंड का 2.42 ही होता है, उसमें कोई शक नहीं है। आप अगर एक परफेक्ट डायमंड की बात करेंगे तो उसका 2.42 ही आएगा। आपको मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप ये कैलकुलेशन को आप फ्री टाइम में एक बार बैठ के चेक कर लीजिएगा। राइट बेटे अरमान, अरमान अरमान, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। मिलता जुलता प्रॉब्लम एक और है बेटा, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। एक रे ऑफ लाइट है, ये ग्लास टू एयर जा रही है, आपको क्रिटिकल एंगल जो है ये निकालना है, ग्लास टू एयर जो आ रही है इसके लिए, सो दैट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू इज 1.5, आपको म्यू दिया हुआ है 1.5, क्रिटिकल एंगल निकालना है। इसी का उल्टा है, ये रिलेशनशिप आप यूज कर लोगे, सो आप इसको ही बेटे मैं इधर रीराइट कर लेता हूं, म्यू इज इक्वल टू 1/sin C, साइन सी 1/μ, सी साइन इनवर्स 1/μ, सी साइन इनवर्स 1/1.5। तो ये आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, घर पे बैठ के करना पड़ेगा आराम से, ये आपके पास बेटे आ जाएगा 0.667, साइन इनवर्स 0.6667। अब आप देख लीजिए कौन से साइन ऑफ द एंगल की वैल्यू इतनी आती है, ये आपके पास 41.8 डिग्री के करीब आपकी वैल्यू आ रही है, सो अकॉर्डिंगली आप बेटे थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। राइट बेटा, डियर चिल्ड्रन, क्लियर टू ऑल। एक और देखिएगा प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम है बेटा,
So let us concentrate upon this beta. Yes. इसमें आपको बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमारे पास जो है बेटा, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी राइट दिस बेटा. Question is refractive index of glass with respect to water is 9.8. Refractive index of glass with respect to water is 9.8. फिर से ध्यान दीजिएगा, refractive index of glass with respect to water 9/8 आपको दिया गया है. अब आप करना क्या चाहते हैं, find the क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास वॉटर इंटरफेस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस. ग्लास वॉटर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल आपको चाहिए. सो वो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर आपको दे रखा है. अगेन यू विल यूज साइन सी वन बाई म्यू अकॉर्डिंगली बेटे आप कर लोगे, ये डिफरेंट नहीं है, तो ये आप सच कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात बेटे नहीं. एक और छोटा सा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3. सुन लीजिएगा, करने वाला है नहीं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज कर लेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू, ये आपको दिया गया है जी ग्लास, इट इज 2/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर चाहिए आपको, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगा लीजिए, 1/2/3 आ जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 3/2. यू विल गेट इट. यस, बिल्कुल ठीक. सो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, ये थोड़ा सा करने वाला है बेटा, और ये आपका प्रीवियस ईयर्स में आया भी हुआ है. लेट मी राइट दिस क्रिटिकल. हम कुछ ऐसा कर भी रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर कि वो हो गया था प्रॉब्लम आपका कि रह गया था, तो एक बार देख लीजिएगा द्वारा. टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. आपको कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास का जो है 3/2 आपको पता भी है वैसे तो. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये 4/3 के बराबर का है. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर आप सारे कैलकुलेट करिएगा. यू हैव 1 मिनट के दी बेटा. तो हमने कल ऐसी कुछ बात की भी थी, जल्दी से निकाल के देखिएगा ऑल ऑफ यू. चंग, अंकिता, अरमान, अर्शीन, दीक्षा, रघुन, गरिमा, इमानी, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, जो जो बीच बीच में से नाम बच्चों का ले रहा हूँ मैं. सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, वेरी नाइस टू सी यू ऑल. बट इसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा. 9/8 दिवांश, रमेश, सॉरी नॉट दिवांश, 9/8. अरमान, तू नहीं पुत्र, 9/8. वेरी राइट, बहुत बढ़िया, गुड 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 बेटे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो फिर भी सबका ठीक है, थम्स अप फॉर यू. मैं भी एक बार सॉल्व कर देता हूँ, आप एक बार अपना चेक कर लीजिएगा. हमने अगर लिखना हो तो प्रेजेंटेशन हमारा कैसा होना चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज नीडेड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दोनों ही एब्सोल्यूट हैं, आप ऐसे यूज कर लोगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिस इज 3/2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिस इज 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 3/2, 3/4, 9/8. सो आपने सबने ठीक किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इसके बाद बेटे
नेक्स्ट बेटे मेरे पास पॉइंट है, मिलता जुलता ही है इससे काफी, लेकिन इसमें उन्होंने, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है अरमान, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बेटे जो है इट इज 1.5 विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एयर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल इज 1.44 विद रिस्पेक्ट टू एयर। केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। रिपीट करूंगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.44। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन ऑयल। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन ऑयल। लगाइए एक मिनट आप सारे स्टूडेंट्स बेटा, सेम टाइप सिमिलर टाइप, हरी अप ऑल ऑफ यू। वन पॉइंट जीरो फोर, बिल्कुल ठीक भवनेश भगत, परशीन, वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेल डन बेटे, वेल डन वेल डन। सो मैं भी एक बार दोस्त कर क्लिक देता हूँ बेटा, आप नोट कर लीजिएगा जिनका नहीं हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन ऑयल चाहिए, दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपके पास हैं, 1.4 को 1.45 को 1.44 से कर दीजिए डिवाइड, और ये आपने जैसे निकाल दिया है 1.04 वैल्यू आपकी आ रही है। वेरी गुड बेटा, वेल डन। नाउ आई एम क्वाइट होपफुल कि आप ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप कंप्लीटली इसको कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बच्चों और छोटा सा पॉइंट है डिस्कस करने वाला आपके साथ, दिस इज मस्ट डू क्वेश्चन रादर। एक तो छोटा सा ये है कि ट्रेस द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ द इंसिडेंट रे शोन इन द फिगर। आपको एक डायग्राम दे रहा हूं, इसके लिए आप रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ कर दीजिएगा। ये आपको एक ग्लास स्लैब दिया गया है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। आपको उन्होंने कहा है दिस इज द इंसिडेंट रे, 90 डिग्री के एंगल पर आपने, ये आपका इंसिडेंट रे है। आपको करना क्या है, ट्रेस द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे किधर जाएगा, अनडिविएटेड, बिल्कुल ठीक, बिकॉज इट्स द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, ये आपका सीधा ही निकल जाएगा। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी नाइस। अब एक और आपके करने वाला क्वेश्चन, दिस वाज अ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटे, एक और है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर लेमडा 4500 एंगस्ट्रॉम्स है, सुनिएगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 4500 एंगस्ट्रॉम्स। What would be the wavelength of this light in glass slab of refractive index 1.5? इसकी wavelength आप glass slab में निकालिए जिसका refractive index 1.5 है। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से बेटा, आपको कहा गया है wavelength of light in air is 4500 angstroms, और इसकी वेवलेंथ आपको लाइट की ग्लास स्लैब में निकालनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दिया गया है। लगाएंगे एक मिनट सारे स्टूडेंट्स बेटा, ऑल ऑफ यू बेटे, दवनेश अरमान अंकिता गरिमा दीक्षा चंक, यस बेटे डियर ऑल, फॉर्मूला क्या लगाओगे, जय आदित्य खुशी कृतिका मिष्टी नैना पार्थ प्रगुन प्रभनूर एंड सारे बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, अर्पित सक्षम एंड
गुड सेवक, वेरी नाइस वेरी नाइस अरमान, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं ये फॉर्मूला ही देखना चाहता था कि आप जानते हैं कि भूल गए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बेटा, किसी भी मटेरियल का, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, यस यस ठीक है। ये बेटे आपका जो है सी अपॉन बी हुआ करता है। असल में ये नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपका पार्ट डिलीट होने की वजह से आई वाज अ लिटिल बिट डाउटफुल। सी आपका न्यू लैम्डा होता है, बी आपका न्यू लैम्डा डैश आ जाएगा। इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। न्यू इज इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, लैम्डा वेवलेंथ होती है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, वेवलेंथ बदल जाती है। ये कट गया आपका, लैम्डा डैश आपको चाहिए, इट इज लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा आ गया 4500, म्यू आ गया 1.5, लैम्डा डैश ये आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। जरा चेक करिएगा कितना ही आ रहा है बेटा कि कुछ और आ रहा है। ऑल ऑफ यू बेटा क्रॉस चेक करिएगा, 3000 एंगस्ट्रॉम से आ रहा है ना ये। दीक्षा, आदित्य, अदिति, अर्शीन, श्यांग, ओके ओके नाइस 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 नाइस। इसके बाद बिल्कुल यस बेटे ओके ऑल राइट बेटे ऑल राइट ऑल वेल रादर। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ आपके लिए, सुन लीजिएगा ठीक है बेटा। अरमान ये क्या लिखा आपने, 10 बिट्स पर माइनस एक, नोट कर लेना ध्यान से बेटे। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इन एयर एंटर्स द ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यस, 600 नैनोमीटर की लाइट एयर में एंटर कर गई, सॉरी ग्लास में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। कैलकुलेट द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, तीनों आपको निकालने हैं। स्पीड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। यही फॉर्मूला लगेगा, इट इज ऑल इन फ्रंट ऑफ यू बेटा। रिपीट करूंगा मैं, वेवलेंथ इन एयर आपको दिया हुआ था 600 नैनोमीटर और आपको निकालना है स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में बेटा स्पीड, एक मिनट बेटा, अरमान कुछ कहना चाह रहा है, बोलो बेटा, अनम्यूटेड हैं आप। अरमान सर 300 एंगस्ट्रॉम नहीं आएगा कैसे बेटा? ये 4500 था, उसको आपने 1.5 से डिवाइड किया सर, इनटू 10 की बार -10 होता था एंगस्ट्रॉम। नहीं नहीं हम एंगस्ट्रॉम ही रहने देते हैं ना, अगर आप 45 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो 30 नहीं आएगा, 30 के साथ दो जीरो ऐसे ही लग जाएंगे पुत्र। अरमान यस सर, सर 15 इनटू 3 होता है 45। ये 1.5 है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप 45 को जब 1.5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 30। यस सर, तो 30 के साथ दो जीरोस और लगा दी हमने सीधा ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। ओके सर जी, तो बेटे ये न्यूमेरिकल जरूर ट्राई कर लेना। 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ है लाइट की एयर में, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी निकालना है और आपको वेवलेंथ भी निकालना है। फ्रीक्वेंसी के लिए आप न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा कर लेंगे और लैम्डा आपका जो है बेटा ये बदल जाएगा, याद रखिएगा। और वी तो आप निकाल ही लेते हो, वी आपका सी बाई म्यू होगा, ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा जब आप करोगे तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास है ही हैं, ये भी हो जाएगा। और लैम्डा मीडियम, लैम्डा डैश आपका 400 नैनोमीटर आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। सो डियर चिल्ड्रन, एनी थिंग यू वांट टू डिस्कस शेयर और यू हैव एनी पॉइंट, अदरवाइज आई एम एंडिंग द पीरियड ओवर हियर बेटा। Should I end here, बेटे?
ओके बेटे, नाइस, थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू।